हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं अपने कुछ व्यूअर्स के कहने पे बनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे जानना चाहा कि क्या होंठों से भी किसी के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि समुद्र शास्त्र में होंठों के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। हम किसी के लिप्स को देख कर भी यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए भाग्यशाली होगा या उसका स्वभाव कैसा होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह के होंठ अच्छे होते हैं और किस तरह के होंठ होना अशुभ होता है। सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समुद्र शास्त्र के बारे में। क्या कहता है समुद्र शास्त्र? समुद्र शास्त्र बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा बहुत कुछ बयां करता है। किसी भी इंसान का चेहरा देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। जिस तरह से किसी के चेहरे को पढ़ा जा सकता है, उसी तरह से व्यक्ति के होंठ भी उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि समुद्र शास्त्र में सौभाग्यशाली होंठों के बारे में क्या बताया गया, यानी कौन से कैसे होंठ होना व्यक्ति के लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के या किसी लड़की के होंठों पर तिल हो, तो ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनमें भोग विलास की इच्छा तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है। यानी कि सेक्स की डिजायर ऐसे व्यक्ति में जिनके होंठों के ऊपर या तिल होता है, आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति के होंठ लाल हों, उसे भोग विलास तथा ऐशो आराम भोगने के मौके बहुत मिलते हैं लाइफ में। एक दूसरे पर अच्छी तरह बैठने वाले होंठ सौंदर्य तथा भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। यानी किसी के होंठ बिल्कुल जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाए गए हैं, बिल्कुल टच करते हो, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पर्स पर बैठते हो, तो ऐसे होंठ बहुत ही लकी और भाग्यशाली माने जाते हैं। पर्स पर चिपकने वाले होंठ या हद से ज्यादा कसे हुए होंठों को भी भाग्यशाली माना जाता है। सपुष्ट होंठ अच्छे भाग्य की निशानी है। यानी होंठ बहुत ही सूखे हुए या पतले पतले ना हो, सपुष्ट हो, अच्छे लगते हों, भरे पूरे हों, तो वैसे भी उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। और लंबे होंठ वाले व्यक्तियों में सुख भोगने की वृत्ति रहती है तथा भाग्य उन्हें सुख देता भी है। जिनके होंठ थोड़े लंबाई लिए हों, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक पंखुड़ी के आकार के होंठ है, तो ऐसे होंठों वाले व्यक्ति सुख भोगने वाले होते हैं। ऊपरी होंठ के दोनों सिरे नीचे को झुके हों और झुककर यदि कमान सी बनाते हों, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और गुलाब की पंखुड़ियों के समान लाल रंग के होंठ सौभाग्य का सूचक होते हैं। यदि होंठ के ठीक नीचे तिल हो, तो ऐसे लोग कठिन परिश्रम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि होंठ के ऊपर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनके ऊपर तिल होता है होंठ के, उन्हें भाग्य पूरा ऐशो आराम और भोग विलास के चांसेस देता है। लेकिन अगर होंठ के नीचे तिल हो, तो कठिन परिश्रम को यह दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों को सहजता धन लाभ नहीं होता, हालांकि कठिन मेहनत के बाद इन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि होंठ के ऊपर जो तिल है, ये शुभ माना जाता है। होंठों का फड़कना प्रिय वस्तु या व्यक्ति के मिलन का संकेत माना जाता है। जैसे अंग फड़कने के बारे में कुछ विचार बताए गए हैं, तो अगर होंठ फड़कते हैं, तो यह भी एक शुभ साइन बताया गया है। यानी किसी प्रियजन के मिलने का यह संकेत होता है। यहां तक अभी हमने बात की शुभ होंठों की, तो आगे बात करते हैं ऐसे कौन से होंठ हैं जिन्हें समुद्र शास्त्र में थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, कम अच्छे कहे जाते हैं। जिनका ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ पर कुछ इस तरह से सेट हो कि मानो वह मुंह बंद रखने का प्रयास कर रहा हो, तो उनका स्वभाव और भाग्य दोनों ही रहस्यमय हो सकते हैं। कुछ लोगों के आप होंठ देख सकते हैं कि ऊपर वाला होंठ इस तरह से टाइट होता है कि ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर उन्होंने होंठ को कसा हुआ है और वो अपना मुंह बंद रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। यदि दोनों होंठ एक दूसरे से दूर दूर तथा ऊपर का होंठ बाहर की ओर निकला हो, तो ऐसे होंठ भाग्य के कमजोर होने का संकेत बताते हैं। ठोड़ी की सतह से बाहर निकले होंठों पर यदि काले धब्बे हों तथा होंठ मोटे हों, तो यह भी भाग्य के कमजोर होने का सूचक है। होंठों पर विद्यमान खड़ी रेखा भी भाग्य अवरोधक मानी जाती है। छोटे होंठ दुख तथा दुर्भाग्य वाले कहे जा सकते हैं। यानी होंठों का भारीपन, भरा उपरा होना अच्छा माना जाता है। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, बहुत ही पतले होंठ दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह के होंठ हैं, तो ये थोड़े से शुभ माने गए हैं समुद्र शास्त्र में।
काले खुरदरे होंठ भाग्यहीनता दर्शाते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि होंठों के ऊपर खुरदरापन है, रफनेस दिखाई दे रही है, ऐसे होंठों को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। सूखे हुए, काले धब्बेदार, कटे फटे तथा मोटे होंठ वाला व्यक्ति धन के अभाव से ग्रस्त रहता है, और जिस व्यक्ति के नीचे का होंठ एक और को और इस तरह से झुका हो मानो तराजू का भारी पलड़ा झुका रहता है। जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा नीचे होता है, एक ऊपर होता है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा होंठ है तो समुद्रिक शास्त्र ऐसे व्यक्ति को विश्वासघाती अपराधी की श्रेणी में रखता है। तो आप होंठों को देखकर आइडिया लगा सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो थोड़ा रहस्यमय लगे, आपको लगे कि वह व्यक्ति अपराधी टाइप का हो सकता है, तो आप उसके होंठ देख को एक जजमेंट लगा सकते हैं। अगर उसका एक होंठ नीचे वाला झुका हुआ है नीचे की तरफ तराजू के पलड़े की तरह, तो वह व्यक्ति अपराधी भी हो सकता है। आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ में यानी दांपत्य जीवन में होंठों होंठ हमें क्या संकेत देते हैं। लाल, पतले, चिकने और अच्छी आकृति वाले होंठ सुखद दांपत्य के घोतक होते हैं, यानी जिनके होंठ अच्छे कलर में हैं और उनका कह सकते हैं कि टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो ऐसे बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ की तरफ इशारा करते हैं। अगर निचला होंठ लाल, गोल और एक पतली रेखा वाला हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तथा धनवान होता है। मोटे, भारी तथा चौड़े होंठ चरित्र को संदिग्ध बना देते हैं, विशेषकर स्त्रियों के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप होंठ देख सकते हैं बहुत ही मोटा है और भारी है। अगर कुछ ऐसे होंठ है तो थोड़ी सी आपको सतर्क हो जाना चाहिए ऐसी लड़कियों की तरफ से, क्योंकि इनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी इनके स्वभाव के बारे में कुछ अच्छी तरह से नहीं बताया जा सकता। यदि निचला होंठ सूखा, लंबा व पतला हो तो यह बीमारी का भी संकेत देता है। इन्हीं होंठों के बारे में अभी अभी और काफी कुछ है जानने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के होंठ छोटे व पतले होते हैं और बेरंग होते हैं, ऐसे लोग दिखावा करने वाले होते हैं और ये लोग अपनी ही बात को सही समझने वाले होते हैं और ये लोग कम बोलने वाले भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी के होंठ बेरंग से हैं, लाल या गुलाबी कलर के नहीं हैं, तो ऐसे लोग दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं मोटे होंठों की। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, दोनों ही होंठ एक जैसे हैं और अच्छी शेप में हैं, मोटे हैं। जिन लोगों के होंठ बहुत अधिक मोटे और अधिक थुलथुले होते हैं और देखने में भी सुंदर नहीं होते, लेकिन इस डायग्राम से बिल्कुल विभिन्न होंठों की बात कर रहा हूँ, जिनके होंठ मोटे हों और थोड़े लटके हुए स्वभाव के हों, तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि वह क्रोधी स्वभाव के होंगे और कभी कभी बहुत जल्दी भावुक हो जाने वाले व्यक्ति भी होते हैं और स्वभाव से जिद्दी होते हैं। जिनके होंठ मोटे हों और थोड़े से अनअट्रैक्टिव टाइप हों, यानी देखने में अच्छे ना लग रहे हों। लाल रंग के होंठ, जिनके होंठ लाल रंग लिए हुए हों, चिकने हों दिखने में और बहुत ही अट्रैक्टिव हों, इस डायग्राम को परफेक्ट हम कह सकते हैं इस तरह के होंठों के लिए, ऐसे लोगों में बहुत ही अपनापन होता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लाल होंठ वाले लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं और यह अपने काम के प्रति भी ईमानदार होते हैं। आगे बात करते हैं पिंक कलर के होंठों की। यहाँ पर जो होंठ दिखाए गए हैं ये लिपस्टिक से पिंक किए गए हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी नेचुरली पिंक जिनके होंठ हो उनके बारे में क्या कहता है समुद्रिक शास्त्र। गुलाबी होंठ वाले लोग बहुत अधिक व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, यह शरीर से ही स्वस्थ होते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। गुलाबी होंठ वाले लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, यानी इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। और अब बात करते हैं जिनके होंठ थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हों, जिन लोगों के होंठ उभरे हुए होते हैं, ऐसे लोग बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान होने के साथ साथ ये खुद थोड़े बहादुर टाइप के भी होते हैं, यानी इनके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस भरा होता है और ये अपने आप को पूरा पूरी तरह से कंफर्टेबल समझते हैं, बहादुर समझते हैं। दोनों होंठों का समान और सुंदर होना, अगर किसी के दोनों होंठ एक जैसे हैं, यानी ना तो एक मोटा ना पतला, दोनों एक जैसे हैं, समान है और सुंदर है। जिनके दोनों होंठ समान होते हैं ऐसे लोग सत्यप्रिय, सुशील और सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी वाणी मीठी होती है और ऐसे लोग बहुत अधिक भाग्यशाली होते हैं। दोनों होंठों का मोटा होना, अगर किसी व्यक्ति के दोनों होंठ, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किसी लड़के या लड़की दोनों होंठ मोटे हों, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो,
तो ऐसे लोग थोड़े मुंहफट किस्म के होते हैं और कुछ रहस्यमयी भी होते हैं, और इन्हें खाने पीने का बड़ा शौक होता है। मुंहफट कहने का मतलब है कि किसी के मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं ऐसे व्यक्ति, और थोड़े से रूखे स्वभाव के भी हो सकते हैं अगर दोनों ही होंठ एक समान मोटे हों। जिन लोगों के दोनों होंठ पतले हों तो उनके बारे में सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है? इस डायग्राम में परफेक्ट पतले होंठ दिखाए गए हैं इस फोटोग्राफ में, आप देख सकते हैं। जिन लोगों के दोनों होंठ पतले होते हैं ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही सरल होता है। ये लोग जीवन में बहुत संघर्ष के साथ उन्नति करते हैं, इनके जीवन में स्ट्रगल भी होती है और साथ ही साथ प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं ब्लैक कलर के होंठ की, यानी काले रंग के होंठ। जिन लोगों के होंठ काले होते हैं कहा जाता है ऐसे लोग संघर्ष का प्रतीक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा किसी ना किसी दुख का सामना करते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद ऐसे लोग भी कामयाब होते हुए देखे गए हैं। लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल यानी संघर्ष काफी ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखें कि व्यक्ति के पूरे शरीर की बनावट के अध्ययन पर ही कोई सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। सभी अंगों का अलग-अलग महत्व होता है, और यहाँ होंठों के अनुसार जो स्वभाव की मैंने बातें बताई हैं उन फलों में अन्य अंगों के प्रभाव के अनुसार बदलाव भी हो सकता है। इसलिए किसी एक बिंदु के आधार पर किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का कोई प्रणाम पत्र नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि होंठों को देखकर हम 60-70% किसी के स्वभाव के बारे में जजमेंट जरूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो था ये था होंठों के बारे में। जो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे जाना चाहा कि क्या होंठों को देखकर किसी का व्यक्तित्व जाना जा सकता है, तो सामुद्रिक शास्त्र ने में हमारे प्रत्येक अंग के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। आंखों के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आज ये मेरा वीडियो लिप्स के ऊपर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर समय समय पर आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।